दोस्तों इंडिया में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को अपने खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ना ज़्यादा फंडिंग होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ना खुद का प्रोडक्ट स्टॉक होता है बेचने के लिए, ना ज़्यादा उनके पास टाइम होता है कि वो अपनी ब्रांड बिल्ड करें। तो इस सिचुएशन में कैसे कोई आदमी अपने खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? जी हाँ, इसका एक ही सॉल्यूशन है, रीसेलिंग बिजनेस। रीसेलिंग बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस का बेस होता है। रीसेलिंग में आप ऑनलाइन सेल तो करते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट की इन्वेंट्री नहीं रखते, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते और कम समय में ऑनलाइन अर्निंग करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सुशल सेलर एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि रीसेलिंग क्या होती है, रीसेलिंग बिजनेस इंडिया में किस तरीके से वर्क करता है और आप अपना खुद का रीसेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम पिछले 3 साल से रीसेलिंग बिजनेस के ऊपर वीडियोस बनाते आ रहे हैं, लोगों को सिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही ई कॉमर्स बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। कोई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए के प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करना आता है, इंस्टाग्राम अच्छे से आता है, व्हाट्सएप अच्छे से आता है, यूट्यूब चलाना आता है, पेटीएम वगैरह यूज़ करना आता है, तो अपने खुद का आप रीसेलिंग बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे रीसेलिंग बिजनेस सीख के आज अपने खुद का ई कॉमर्स बिजनेस बनाए हैं, आज खुद ही रीसेलिंग बिजनेस में अपने एक सप्लायर बने हुए हैं। तो जब आप रीसेलिंग की बेसिक डेफिनेशन देखते हो, रीसेलिंग मतलब होता है प्रोडक्ट्स को दोबारा सेल करना, मतलब एक प्रोडक्ट जिसको आपने खरीद लिया है उसको दोबारा सेल करना। लेकिन जो इंडिया में रीसेलिंग चलती है वो एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग होती है, लोग उसको रीसेलिंग बोलते हैं। रीसेलिंग एक सही टर्म नहीं है, सही टर्म होता है ड्रॉप शिपिंग, जो इंडिया में पहले नहीं हुआ करता था। ये US में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लोग अक्सर चाइना से प्रोडक्ट्स लेके US में ड्रॉप शिप करते थे और ऑनलाइन पैसा कमाते थे। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया और लोग उसको रीसेलिंग बोलना शुरू कर दिए। अब इसमें आपका सप्लायर आपको प्रोडक्ट्स देता है, आप उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट या अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आगे अपने कस्टमर्स को सेल करते हो। जैसे ही आपको कस्टमर का ऑर्डर आता है, आप उस ऑर्डर को वापस अपने सप्लायर को देते हो और सप्लायर उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपके कस्टमर को शिप करता है आपके नाम से। तो कस्टमर को क्या लगता है कि प्रोडक्ट आपने सेल किया, प्रोडक्ट आपका था, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स की। जो एक्चुअल में प्रोडक्ट जो था वो सप्लायर के पास से डायरेक्टली कस्टमर को गया, सप्लायर को बेनिफिट हुआ, आपको कमीशन का बेनिफिट हुआ और आपकी एक खुद की ब्रांड बनी और आपका हमेशा के लिए एक कस्टमर भी बन गया। अब हम जानते हैं कि इंडिया में बेसिक लेवल ऑफ रीसेलिंग कैसी चलती है। सो बेसिकली लोग अक्सर इंस्टाग्राम पे सप्लायर्स को खोजते हैं, होलसेलर्स को खोजते हैं। आप भी खोजो इंस्टाग्राम में ज्वेलरी होलसेलर, शूज़ होलसेलर, वॉच होलसेलर, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन होलसेलर्स मिल जाएंगे जो खुद का अपना प्रोडक्ट स्टॉक रखते हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे भी और भी बहुत सारे होलसेलर्स देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट में भी जाके बहुत सारे होलसेलर्स देख सकते हैं। इन होलसेलर से कनेक्ट होने के बाद जितने भी ऑनलाइन होलसेलर्स हैं ये आपको प्रोडक्ट अपडेट करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं है, ये आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स देते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। इन प्रोडक्ट की पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन को आपको आगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने ब्रांड नेम के साथ आगे सेल करना होता है। सपोज़ मुझे XYZ शूज़ होलसेलर ने शूज़ की एक पिक्चर दी, मैंने उस शूज़ की पिक्चर में अपना लोगो लगाया और उस शूज़ की पिक्चर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दिया लक्षित स्टोर के नाम से। वहाँ से उस पिक्चर को बहुत सारे लोग जो मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है उन लोग देखेंगे। हो सकता है किसी बंदे को वो शूज़ पसंद है तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट डाल रहा हूँ वहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर ज़रूर डालूंगा। वो व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, व्हाट्सएप पे मैं उनके साथ सेल्स करूँगा कि कितने दिन में प्रोडक्ट उनको डिलीवर होगा, कैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या उसकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं सारी चीज़ें उनको बताऊँगा। वो मेरे को पेमेंट करेंगे अगर प्रीपेड है तो, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वो मुझे अपना एड्रेस देंगे, मैं उस एड्रेस और उस प्रोडक्ट को अपने होलसेलर को वापस प्लेस करूंगा, अपने होलसेलर के व्हाट्सएप में उनको पे प्लेस कर दूंगा कि भैया ये मेरा फाइनल ऑर्डर है, इसको आप प्लेस कर दीजिए। और वो होलसेलर उस प्रोडक्ट को पैक करके, मेरे नाम से पैक करके डायरेक्टली मेरे कस्टमर को शिप कर देगा और मुझे ट्रैकिंग स्लिप दे देगा। वो ट्रैकिंग स्लिप मैं अपनी कस्टमर को दे दूंगा, कस्टमर को लगेगा कि ये प्रोडक्ट सारा मैंने दिया है बट एक्चुअल में मैंने बीच में कमीशन अर्न किया और पूरा प्रोडक्ट मेरे सप्लायर ने डायरेक्टली कस्टमर को सेंड किया। और कैश ऑन डिलीवरी के केस में जो भी आपका मार्जिन अमाउंट होता है आप अपने सप्लायर को बता देते हो और सप्लायर एक बार प्रोडक्ट के रिसीव होने के बाद आपको आपका रेमिटेंस मतलब आपका प्रॉफिट अमाउंट आपको दे देता है। हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगे ये बिजनेस, बट आपको सुन के अजीब लगेगा कि आज इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा रीसेलर्स हैं
जो इस तरीके का वर्क कर रहे हैं। आज इंडिया में 25,000 से ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े होलसेलर्स हैं जो इन रीसेलर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपको भी व्हाट्सएप में किसी ना किसी ने अपने खुद के शॉपिंग पेज वाले शॉपिंग ग्रुप में ऐड किया होगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आपको रिक्वेस्ट भेजी होगी जिनकी खुद का शॉपिंग पेज है। हैरानी की बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आज से 4-5 साल पहले ये बिज़नेस चालू किए थे और आज एक बड़े लेवल की कंपनी है। हमने अपनी पूरी जर्नी रीसेलिंग बिजनेस से चालू की थी। मैं खुद ही ऑनलाइन शूज़ रीसेल करता था, उसके बाद हमने खुद का अपना स्टॉक रखा, हम उसके बाद रीसेलर्स को सप्लाई करने लग गए, देन हमने खुद का अपना ऐप बनाया, सोशल सेलर ऐप, आप हमारे यूट्यूब में उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, एंड फिर वो ऐप हम अलग अलग सप्लायर्स को भी देने लग गए, एंड देन हमने रीसेलर्स को सिखाना शुरू किया, और आज हम रीसेलर्स को सिखा भी रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी दे रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के अलग अलग तरीके भी बता रहे हैं, और रीसेलिंग के लिए अगर किसी को मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए या फिर कोई भी डाउट है, किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने खुद रीसेलिंग बिजनेस से शुरू किया और आज हमारे खुद का एक स्टार्टअप है। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रीसेलिंग बिजनेस से चालू किया, किसी की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, किसी ने रीसेलिंग बिजनेस से चालू किया और आज उनका एक्सपोर्ट का बड़ा काम है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया रीसेलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट किए, क्योंकि ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। और ये बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट कला की ज़रूरत पड़ती है, वो है सेल्स टेक्निक। अगर आप लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आप बिना निवेश किए, बिना इन्वेस्ट किए, सिर्फ प्रोडक्ट को रीसेल करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। और आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन इंडिया में पहले ई कॉमर्स आया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, लोग ऑटोमेटेड सेल्स करते थे, मतलब ऑटोमेटिक वेबसाइट पे जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे, प्रोडक्ट खरीद लेते थे, फिर अधिकतर लोगों को प्रोडक्ट डैमेज आता था, प्रोडक्ट ख़राब आता था, प्रोडक्ट में रिटर्न करने में प्रॉब्लम आती थी, एंड धीरे से अब सोशल कॉमर्स का ज़माना आ गया है, मतलब लोग ज़्यादातर बात करके खरीदना पसंद करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही बताइए, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ऑटोमेटेड तरीके से खरीदना पसंद करेंगे कि किसी से बात करके या पहले कंफर्म करके प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे किसी भी नए बिजनेस से? जाहिर सी बात है, आप पहले उस बिज़नेस के फाउंडर या फिर जो भी उस बिज़नेस को रन कर रहे हो, जो भी उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात करना पहले पसंद करेंगे, फिर आप उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे। और इसीलिए आज की डेट में जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं, अब वो ऑनलाइन आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, और सोशल कॉमर्स का ज़माना आ गया है। आज आप किसी से भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप पहले उनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करोगे, पहले उनसे बात करोगे, प्रोडक्ट की पूरी सारी इन्फॉर्मेशन लोगे, और उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। और इसीलिए सोशल कॉमर्स का फ्यूचर बहुत तगड़ा है। आपने देखा होगा आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप, ओयो, जोमैटो, ये सारे आपसे व्हाट्सएप पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो ये चीज़ पहले ऑटोमेटेड तरीके से करती थी या ईमेल के थ्रू करती थी, अब वो व्हाट्सएप में आपसे इंटरेक्ट करना चाह रही है। ये इसलिए क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को पता है कि इंटरेक्शन से ट्रस्ट क्रिएट होता है और उनकी सेल्स इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, अगर आपको बड़े लेवल का स्टार्टअप क्रिएट करना है, बड़े लेवल का बिजनेस बनाना है, आपके पास फंडिंग कम है, पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद का रीसेलिंग बिजनेस से स्टार्ट करो, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, और बड़ा इन्वेंट्री अपना क्रिएट करो, अपने खुद का प्रोडक्ट डेवलप करो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। अगर आपको रीसेलिंग बिजनेस अच्छे से सीखना है तो हमारा खुद का कोर्स है रीसेलिंग बिजनेस का, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि इंडिया में रीसेलिंग बिजनेस किस तरीके से होती है, अपने रीसेलिंग बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेल्स कम्युनिकेशन कैसे होता है, होलसेलर्स को कैसे खोजते हो, कैसे रिसर्च करते हो, मैंने अपने कुछ ट्रस्टेड होलसेलर्स की डिटेल्स भी दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स को जाके जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आपके दोस्त भी ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।